नोएडा में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब अवैध शराब की बड़ी खेप को लेकर हरियाणा से बिहार जा रहे ट्रक को पुलिस ने महामाया फ्लाईओवर पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक में 350 पेटी शराब थी जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।